कहां तक डाला है? वाई एक्सिस पर भी नहीं रहेगा ये। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहां इक्वल टू जीरो नहीं है, और तुम जानते हो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो चूंकि इसमें एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, मतलब ये ग्राफ जो है इसका कोई भी पार्ट, कोई भी पोर्शन, इवन पॉइंट भी नहीं रहेगा वाई एक्सिस पर, इसलिए यहां हम लोग एक ब्लैंक दिखाएंगे इस तरह का। ये ब्लैंक ये शो करेगा कि इस ग्राफ का कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह से जब तुम वाई इक्वल टू माइनस वन खींचते हो तो ये एक्स लेस देन जीरो यानी लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में नहीं होगा, तो राइट साइड इसकी हटा दो। इतना ही नहीं, इक्वल टू जीरो यहां भी नहीं है, इसलिए इसके भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे नहीं होगी, मतलब यहां से भी तुम्हारा पॉइंट गायब दिखाई देगा यहां से ऐसे। और इन गायब पॉइंट्स के बदले में तुम्हें ये पॉइंट तो मिल ही रहा है एक्स बराबर जीरो पर वाई इक्वल टू जीरो। तो देखो ये पूरी ग्राफ है तुम्हारे सिग्नम की। शॉर्ट में याद रख सकते हो इस तरह से कि किसी भी सिग्नम में जब तुम कोई पॉजिटिव डालते हो तो आउटपुट वन आता है, नेगेटिव डालते हो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट माइनस वन आता है, और जब तुम जीरो डालते हो तो जीरो आता है। इसको और समझने के लिए तुम एग्जांपल ले लो, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि सिग्नम ऑफ 2.5 कितना आएगा, तो चूंकि 2.5 एक पॉजिटिव नंबर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। सिग्नम ऑफ 3.5 कितना आएगा, वो भी 1 क्योंकि पॉजिटिव है। सिग्नम ऑफ तुम कोई भी नेगेटिव नंबर लो, जैसे मान लो लेता हूं -1/3, ये कितना आएगा -1 क्योंकि ये नेगेटिव है। इस तरह से तुम यहां पर फंक्शन भी डाल सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव फंक्शन भी डाल सकते हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें कहूं कि सिग्नम ऑफ 2 to the power x इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो शायद तुम्हें याद होगा 2 to the power x एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, और ये 2 to the power x क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। कोई भी x डाल दो, तुमने पढ़ा होगा कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर 2 to the power x पॉजिटिव होता है। तो जब ये फॉर ऑल x पॉजिटिव है और इसमें तुम सिग्नम लगाओगे तो इसके रिजल्ट तो हमेशा ही बनानी है, माइनस वन या नहीं सकता, जीरो दे नहीं सकता। 2 to the power x अगर जीरो होता तो उसके सिग्नम जीरो होती, अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस वन होता, ऐसा होता नहीं है, यह केवल और केवल पॉजिटिव होता है। एक सिग्नम की दूसरी एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम पहले से भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो इस बात को ध्यान में रखकर तुम थोड़ी जल्दी रिजल्ट पर पहुंच सकते हो। जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता नहीं है तो क्या होगा, इसकी आउटपुट माइनस वन आएगी ही नहीं, या तो पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर या फिर जीरो होगा, तो इसका आउटपुट या तो वन होगा या फिर जीरो होगा। लेकिन इसे मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, इसको तीन केसेस में। इफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। इफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस वन। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। लेकिन ये ब्रांच नहीं आएगा क्योंकि तुम जान रहे हो एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, किसी भी रियल नंबर के लिए स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस ब्रांच को हमें हटा देना चाहिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ग्राफ तुम्हें यही मिलेगा। लेकिन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो कब होता है, तो ये होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़कर। तुम इसे यहां से भी क्लियर कर लो, एक्स स्क्वायर कब जीरो होता है, जब एक्स जीरो होता है, और ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो छोड़ देना है। तुम इसमें नेगेटिव डालो, नेगेटिव की स्क्वायर पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव डालो, पॉजिटिव की स्क्वायर पॉजिटिव आएगी, जीरो के स्क्वायर पॉजिटिव नहीं आ सकते, जीरो के स्क्वायर जीरो हो जाती है, वो इस ब्रांच में आ जाएगा। तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे होना चाहिए, वाई इक्वल टू वन ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, उसमें जीरो छोड़ दो, जीरो पर पॉइंट हटा दो, और एक्स इक्वल टू जीरो पर जो पॉइंट आएगा वो जीरो आएगा। तो तुम्हें पता है एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई जीरो, मतलब ये ओरिजिन हो गया। उसके बाद हम ग्राफ इस तरह खींचते हैं, वाई इक्वल टू वन, ये वाई इक्वल टू वन हुआ, लेकिन ये पूरा नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जीरो एक्सक्लूडेड है। इस ग्राफ की कोई पोर्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे जो आएगी, एक्स इक्वल टू जीरो देखो इसे होता है, ये होता है एक्स इक्वल टू जीरो, तो हटाना होगा, तो यहां से हटा देते हैं ऐसे। अब ये ग्राफ तुम्हारा आता है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर का। एक तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं सिग्नम की, वाई इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड एक्स माइनस वन। पहले की तरह एक्सप्लेन करो, इफ मॉड एक्स माइनस वन इज पॉजिटिव, तो ये जब पॉजिटिव होगा सिग्नम क्या होगा, वन आ जाएगा। मॉड एक्स माइनस वन पॉजिटिव कब होगी, जबकि मॉड एक्स वन से अधिक हो। फंडामेंटल से याद करो, मॉड एक्स जब वन से अधिक है तो उसकी दो रिजल्ट आएगी, दो इंटरवल, एक एक्स ग्रेटर वन खुद, दूसरा एक्स माइनस वन से लेफ्ट, ये इंटरवल। सेकेंड है When mod x minus 1 is negative, signum of negative is minus 1. Mod x minus 1 negative कब होगा? जबकि mod x less than 1 होगा, और mod x less than 1 होता है when x varies from minus 1 to 1. फिर देखेंगे कि ये mod x minus 1 0 कब होता है? When mod x minus 1 is 0, the signum of 0 is 0. लेकिन ये 0 कब होगा? जब mod x 1 होगा, यानी कि x plus minus 1 होगा। तो यहां पर देखो ये इक्वल टू है, मतलब यहां से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। एक्स इक्वल टू वन तुम इसमें डालते हो तो ये जीरो होता है और उसके सिग्नम जीरो हो जाती है, तो वन पे जीरो यानी देयर इज अ पॉइंट 1 0 इन द ग्राफ।
तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू वन पे y इक्वल टू जीरो, ये x एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा, या वन जीरो, ये दिस इज द पॉइंट वन जीरो, फिर माइनस वन डालोगे तो भी जीरो मिलेगा, तो ये पॉइंट हुई तुम्हारी माइनस वन जीरो x एक्सिस पर। तो इस तरह दो पॉइंट x एक्सिस पर मिलते हैं। उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू वन, देखो ये y इक्वल टू वन की ग्राफ है, लेकिन ये ग्राफ कब मिलती है, इस इंटरवल में, यानी इन द लेफ्ट ऑफ x इक्वल टू माइनस वन और इन द राइट साइड ऑफ x इक्वल टू वन। तो ये देख लो, ये लाइन मैंने वर्टिकली डॉटेड लाइन बनाई है, y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसे लिखते हैं x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये x इक्वल टू वन, इसके राइट ही हम ग्राफ ले सकते हैं। तो इसके राइट में ये ग्राफ लेना है तुम्हें, ये पार्ट, लेकिन इसके लेफ्ट नहीं ले सकते। उसी तरह से माइनस वन के लेफ्ट ले सकते हैं, राइट नहीं ले सकते। तो माइनस वन के लेफ्ट में लो, माइनस वन के पहले देखो, इस माइनस वन के पहले, तो ये ले लेते हैं ग्राफ ऐसे, लेकिन ये बीच में नहीं ले सकते, माइनस वन और वन के बीच में नहीं ले सकते। तो बीच के सेगमेंट को तुम हटा दो यहां से, ऐसे ये हट जाएगी ऐसे। और इतना ही नहीं, क्योंकि यहां पर इक्वल साइन, ये इक्वल साइन तो नहीं है ना यहां, ये इक्वल साइन नहीं है, तो इक्वल साइन नहीं होने का मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ का कोई पॉइंट x इक्वल टू वन पे या माइनस वन पे दिखाई नहीं देगा। तो वन पे ऊपर में जो पॉइंट ये मिलता, ये अब नहीं मिलेगा, ये ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से, उस तरह से यहां ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक, दूसरा इंटरवल देते हैं, जब x माइनस वन से वन के बीच है तो y इक्वल टू माइनस वन, ये रही ग्राफ y इक्वल टू माइनस वन की, लेकिन इसे तुम्हें लेना होगा माइनस वन और वन के बीच में, वन के राइट नहीं ले सकते, माइनस वन के लेफ्ट नहीं ले सकते, इसके राइट मिटा दो, इसके लेफ्ट मिटा दो, और ये ब्लैंक भी हो जाएगा। ब्लैंक क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां इक्वल साइन नहीं है। इक्वल नहीं होने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू वन पे y इक्वल टू माइनस वन नहीं मिलेगा, तो वन पे माइनस वन यानी यहां पॉइंट नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए यहां भी एक ब्लैंक आएगी, उसी तरह से यहां भी एक ब्लैंक आएगी। और तुम देखो ये ग्राफ तुम्हारा सिग्नम ऑफ मॉड x माइनस वन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के बारे में, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहा जाता है, और डिटेल में इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। इसके सिंबॉल इस तरह होती है, y इक्वल टू ब्रैकेट बिग ब्रैकेट विद इन x। तो इसके में एक फैक्ट है, इस स्टेटमेंट को तुम इस तरह लिख सकते हो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको लिख सकते हैं इस तरह से, और ये लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन उसके बाद इक्वल टू x। ये फंक्शन आखिर होता क्या चीज है, तो तुम सबसे पहले जान लो, यूनिवर्स में किसी भी नंबर x को तुम इस तरह लिख सकते हो, i प्लस f, इस तरह से i उसकी इंटीग्रल वैल्यू होती है और f उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। इसे समझने के लिए तुम नंबर पे जाओ, जैसे मान लो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू टू, तो टू को तुम इस तरह ब्रेक कर सकते हो, टू प्लस जीरो, तो i की वैल्यू टू हो जाएगी और f की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां पर इनफैक्ट तुम जान लो कि f की जो वैल्यू होती है वह जीरो से लेकर वन के बीच होती है, वह जीरो तो हो सकती है, वन कभी नहीं होती है, और ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर हो जाता है अगर हमारा ये x फ्रैक्शनल नंबर हो, इंटीजर ना हो। तो जब x इंटीजर होगा f जीरो होगा, और f जीरो होगा तो उसके लिए हम अलग से दिखाएंगे इस तरह f इक्वल टू जीरो। बल्कि ये तुम याद रख सकते हो इस तरह से कि वह कौन सा नंबर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाता है, तो हमेशा याद रखना चाहिए इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स के फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होते हैं। लेकिन अगर तुम इस तरह लिखो x इज इक्वल टू 2.5, तो तुम इसको इस तरह लिखो 2 प्लस 0.5, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी और f की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, और हम देखते हैं कि 0.5 0 1 के बीच में। कोई दूसरा नंबर लो 3.7, इसे तुम लिख सकते हो 3 प्लस 0.7, इसमें i की वैल्यू 3 हो जाएगी और f की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। अगर नेगेटिव लेते हो, मान लेते हैं -4.3, तो इसे दो तरह से लिखा जाता है, एक तरीका है -4 प्लस माइनस ऑफ 0.3, दूसरा तरीका है -5 प्लस 0.7। तो ये सही है या ये सही है या दोनों सही है, तो हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा अगर इस तरह लिखते हो। और कुछ लोग इसे f कह भी देते हैं, तो यहां पर इस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करेगा ये, क्योंकि हम जानते हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट है वह जीरो और वन के बीच होता है, ये नेगेटिव हो गई है, ये फ्रैक्शन तो है, जीरो से वन के बीच नहीं आ रही है, ये नेगेटिव हो रही है, माइनस वन और जीरो के बीच आ रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इस तरीके से ऐसे। तो हम देखो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वह जीरो वन के बीच आ रहा है, इसलिए सही तरीका यही, और इंटीग्रल पार्ट ये कहलाएगा -5। तो अब हम इसके बारे में जाने कि ये फंक्शन क्या करता है, जो नंबर तुम इसमें डालोगे, एक्स की जो वैल्यू तुम डालोगे, अगर इंटीग्रल डालते हो तो वो वही आ जाएगा, 2 डालोगे तो 2 ही आएगा, 3 डालोगे तो 3 ही आएगा, लेकिन अगर तुम कोई फ्रैक्शनल नंबर डालते हो इसमें, जैसे 2.5 इसमें तुम डालते हो, तो ये फंक्शन 0.5 को एब्जॉर्ब कर लेता है
और आउटपुट के रूप में, रिजल्ट के रूप में तुम्हें 2 देगा। इसका रिजल्ट हमेशा इंटीजर आएगा। अगर 3.7 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता, 3 आएगा। माइनस 4.3 देंगे, माइनस 4 नहीं आएगा, माइनस 5 आएगा। इसे समझने के लिए हम लोग एक लाइन डायग्राम पर दिखाते हैं। इस तरह से एक लाइन ले लो इस तरह, और एक इंटीजर यहां ले लेता हूं आई, फिर एक ले लेता हूं आई प्लस 1। इसके बीच में कोई नंबर अगर तुम ले लेते हो एक्स, तो चूंकि ये फ्रैक्शनल होता है, आई से आई प्लस 1 के बीच अगर कुछ लिखते हो तो वो फ्रैक्शनल नंबर होता है। अगर खुद आई ले लोगे तब तो वो इंटीजर हो जाएगा। जैसे तुमसे ये पूछा जाए कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई, वो क्या होगा, तो ये आई खुद हो जाएगा। अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आई प्लस 1 पूछा जाए तो यह भी आई प्लस 1 ही हो जाएगा। लेकिन आई से आई प्लस 1 के बीच लोगे, जैसे 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 8 टू 9, तो वो तो कोई फ्रैक्शन नंबर होगी। 8 और 9 के बीच नंबर ले सकते हो, 8.1, 8.2, 8.9 वगैरह वगैरह। तो ये इंटीग्रल पार्ट फंक्शन क्या करता है कि इस एक्स को जैसे ही तुम इसमें बिग ब्रैकेट लगाओगे वो जस्ट बाएं वाले में कन्वर्ट कर देता है और ये रिजल्ट हो जाता है उसका। इस बात को समझो, जैसे मान लो हम 2 और 3 के बीच लें, तो 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर लोगे, जैसे मान लो यहां नंबर लेते हैं 2.2, 2.3, 2.4, 2.9, 2.99, कुछ भी लेते हैं, तो उसका इंटीग्रल पार्ट ये लेफ्ट वाला होगा, ये लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला, यानी कि लेफ्ट इंटीजर 2। ये इसका निष्कर्ष होता है। इस लाइन डायग्राम को हमेशा याद रखो, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच कोई फ्रैक्शन नंबर हम लेंगे तो लेफ्ट वाली जो इंटीजर होती है वो उसकी इंटीग्रल पार्ट कहलाती है, वो रिजल्ट है। ये हमेशा सही होता है। इसके बाद तो आगे देखते हैं इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के पूरे रिजल्ट को तुम थोड़ा सा कंपैक्ट कर सकते हो इस तरह से। अभी हमने बताया कि इस इंटीग्रल पार्ट फंक्शन में कोई भी इंटीजर आई डालते हो तो सेम इंटीजर आई आता है। अगर इंटीजर आई के बदले आई प्लस 1 डाल दो तो भी आई प्लस 1 आएगा। मतलब 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे 3 आएगा, 4 डालोगे 4 आएगा, जो इंटीजर डालोगे वो आएगा। और अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं आई से आई प्लस 1 के बीच, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच लाई करता है इस तरह से, तो ये जो एक्स जो दो इंटीजर के बीच लाई कर रहा है उसका इंटीग्रल पार्ट लेफ्ट वाला ये इंटीजर हो जाता है। ये इसका सारांश हुआ तुम्हारा कंपैक्ट फॉर्म में। अब इसको थोड़ा सा रिजल्ट में ले आते हैं। हमने ये देखा कि अगर ये एक्स इस आई से आई प्लस 1 के बीच में है तो उसका इंटीग्रल पार्ट ये लेफ्ट वाला इंटीजर आई होता है। आई प्लस 1 डालते हैं तो आई प्लस 1 आता है, लेकिन आई डालने से फिर आई आ जाता है। तो आई दो स्थितियों में आता है, एक तो खुद आई डालने से, दूसरा आई से लेकर आई प्लस 1 के जस्ट पहले तक के नंबर को डालने से। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आई होता है जब एक्स बराबर आई हो तब, या फिर एक्स आई से आई प्लस 1 के बीच हो तब। तुम इसे एक लाइन में ये और ये डायग्राम याद रख लो, पूरी रिजल्ट हो जाएगी ये। अब थोड़ा सा इसे एक्सपैंड करो और ग्राफ की ओर बढ़ो। तो पहले हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लो हम ये जानेंगे कि ये माइनस 1 कब आता है, ये इंटीग्रल पार्ट एक्स माइनस 1 कब आता है। तो माइनस 1 ये तब आएगा जबकि तुम एक्स माइनस 1 से 0 के बीच लोगे। तुम समझो, अगर ये माइनस 1 आ रहा है, रिजल्ट माइनस 1 चाहिए तो एक्स को यहां से यहां के बीच लाई करना पड़ेगा, यानी आई की वैल्यू तुम माइनस 1 डाल दो तो ये माइनस 1 होगा। तो एक्स माइनस 1 से लेकर माइनस 1 प्लस 1 यानी 0 के बीच लाई करेगा, जिसमें 0 पर इक्वल साइन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह डालने से ये इंटीजर आता है। हायर इंटीजर डालोगे तो हायर इंटीजर आएगा, लोअर इंटीजर डालोगे तो वो इंटीजर आएगा। क्योंकि हमें माइनस 1 चाहिए इसलिए माइनस 1 पर इक्वल लगेगा, 0 नहीं पर नहीं लगेगा, क्योंकि 0 का इंटीग्रल पार्ट 0 ही होता है। उसी तरह अगर तुम एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच लेते हो तो रिजल्ट 0 आएगा। इसको तुम यहां से ला सकते हो, अगर रिजल्ट 0 चाहिए तो आई की वैल्यू 0 डाल दो और ये 0 होगा, तो एक्स 0 से लेकर 1 के बीच आएगा, फिर 1 पे इक्वल साइन नहीं होगा। उसी तरह से 1 अगर चाहिए तो एक्स को 1 से 2 के बीच होना होगा, 2 चाहिए तो एक्स को 2 से 3 के बीच होना होगा, और इस तरह से हम बढ़ते चले जाएंगे। उस तरह से हम पहले बढ़ेंगे तो निगेटिव भी आएगा। अब इस रिजल्ट पे हम ग्राफ देखते हैं। तो पहले देख लो ये y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू, ये सारे ग्राफ आते हैं। तो पहले तुम प्लॉट कर लो ये y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 0, वो तो x एक्सिस ही होता है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, ये खींच लो। अब जब मिलाओगे यहां से y इक्वल टू माइनस 1 कब आएगा, तो माइनस 1 से 0 के बीच आएगा, y इक्वल टू माइनस 1 आएगा, जबकि x माइनस 1 से 0 के बीच है। देखो x माइनस 1 यहां है, x 0 यहां है, तो इसके बीच में तुम्हें माइनस 1 लेना होगा। y इक्वल टू माइनस 1 की जो ये ग्राफ है तुम देख रहे हो, y इक्वल टू माइनस 1, वो इसमें लेना होगा जबकि x माइनस 1 से 0 के बीच में, मतलब इस इंटरवल में। इसके राइट तुम नहीं ले सकते क्योंकि राइट में x की वैल्यू 0 से अधिक हो जाती है। माइनस 1 के लेफ्ट में नहीं ले सकते क्योंकि इसके लेफ्ट में x की वैल्यू माइनस 1 से कम हो जाती है। तो हमारा ग्राफ इस तरह आएगा, माइनस 1 से स्टार्ट होकर 0 तक, और ये 0 पर यहां ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से।
ब्लैंक क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इक्वल साइन नहीं है। ये देख लो, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है। एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होने का मतलब माइनस वन से जीरो के बीच है। देखो एक्स माइनस वन यहां है, एक्स जीरो यहां है, तो इसके बीच में तुम्हें माइनस वन लेना होगा। वाई इक्वल टू माइनस वन की जो ये ग्राफ है तुम देख रहे हो, वाई इक्वल टू माइनस वन, वो इसमें लेना होगा, जबकि एक्स माइनस वन से जीरो के बीच में, मतलब इस इंटरवल में। इसके राइट तुम नहीं ले सकते, क्योंकि राइट में एक्स की वैल्यू जीरो से अधिक हो जाती है। माइनस वन के लेफ्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लेफ्ट में एक्स की वैल्यू माइनस वन से कम हो जाती है। तो हमारा ग्राफ इस तरह आएगा, माइनस वन से स्टार्ट होकर जीरो तक, और ये जीरो पर यहां ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से। ब्लैंक क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इक्वल साइन नहीं है। ये देख लो, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है। एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होने का मतलब हुआ कि एक्स इक्वल टू जीरो पर जो ग्राफ मिलना चाहिए था उस पर से पॉइंट हट जाएगा, इसलिए मैंने यहां से पॉइंट हटा दिया। फिर देखो नेक्स्ट ग्राफ है वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो कैसे लाओगे? तो वाई इक्वल टू जीरो तो एक्स एक्सिस ही होता है, मतलब तुम्हें एक्स एक्सिस ही बना देना है फिर से। लेकिन एक्स एक्सिस कब? जब एक्स जीरो वन के बीच हो। देखो यहां एक्स जीरो है, यहां एक्स वन है, इसको बोल्ड कर दो, ये ग्राफ हो गया हमारा यहां तक। लेकिन वन पर ब्लैंक दिखाना होगा, क्योंकि यहां इक्वल टू वन नहीं है, इसलिए एक्स इक्वल टू वन पे तुम्हें इसमें इस ग्राफ में वाई इक्वल टू जीरो में पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए इस ग्राफ में पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर देखते हैं वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन ये रहा, ये एक्स की वैल्यू वन से टू के बीच है,